नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के कारवे गांव ने अपने वीर सपूत राजेंद्र नारायण को दी अंतिम सलामी। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा पूरा गांव। पुंछ में पाक गोलीबारी में शहीद हुए थे राजेंद्र नारायण। प्रदूषण के बीच दिल्ली में आग ने मचाई तबाही। तिब्बती बाजार में देर रात लगी आग से 130 दुकानें खाक। वहीं सदर बाजार में दर्जनों झुग्गियां स्वाहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। एलजी सीएम की बैठक में हुआ फैसला। 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगेगा बैन। एक हफ्ते तक निर्माण कार्यों पर भी रोक। एसपी में महागठबंधन की बढ़ती सुख बुगाहट के बीच आज मुलायम सिंह यादव पहुंचे दिल्ली। कई नेताओं से हो सकती है मुलाकात। कल लखनऊ में सीएम अखिलेश ने कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर से की थी बात। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने झोंकी ताकत। आज शाम डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, जैसे मुझे चुना वैसे ही हिलेरी को चुने। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की गीदड़ भभकी। कहा, कश्मीर में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि याद रखा जाएगा। और इंग्लैंड के साथ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व कप्तान कपिल देव का बयान। कहा, कोहली और अश्विन भारत के लिए होंगे निर्णायक साबित। बुधवार से राजकोट में शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।